तो आपने क्या चैलेंजेस फेस किए एक तो एज ए फीमेलोरिटी बच्चे मुझे कहते ना क्यों लगाया आपने आप बैठो घर में क्या जरूरत है घर में बैठ के भी कर सकती हूँ मैंने कहा घर में भी कर रही हूँ लेकिन बाहर भी जाने में क्या अर्ज है कभी सोचती हूँ कि मैं भी पढ़ी लिखी होती तो आज मैं भी कहाँ से कहा असिस्टेंट हायर कर ले मैरी आंटी के लिए से ऊपर ही है 60 मेरा 60 प्लस देखिए डू कम एंड सपोर्ट देम बिल्कुल दे आर सपोर्टिंग देयर होम्स दे आर सपोर्टिंग देयर फैमिलीज एंड हमारी बहुत सारे बेस्ट विशेस अस्सलाम वालेकुम एंड मैं हूँ फ़िरोज़ा मोहम्मद और मैं आप सब लोगों को वेलकम करना चाहूँगी यकीनन आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे आज हम फिर से हाजिर हो गए एक नए गेस्ट के साथ एक नए पॉडकास्ट के साथ और देखते हैं आज हम किसके साथ अप क्लोज एंड पर्सनल होंगे लेट्स वेलकम आवर गेस्ट अस्सलाम वालेकुम एंड हाउ आर यू बारे हमारे साथ है मैरी आंटी है कैसी हैं आज आप ठीक हूँ आप ठीक हैं जी जी अच्छा मैरी आंटी आपका भी स्टॉल है फूड का स्टॉल है जी राइट और वो ये वाला है जी शॉन किचन किचन अच्छा शॉन आपने आ, किस पे नाम मतलब ये किस ये, पे आपने नाम रखा ये मेरे छोटा भाई उनके नाम पे रखा था आपका छोटे भाई है छोटे भाई एक्सपायर हो गए वो ओ आई एम सो सॉरी फॉर यू तो उनके नाम से मैंने ये रखा है अच्छा तो एक्सपायर मतलब अभी हुए बहुत पहले कैसे? नहीं दस साल हो गए इनको आई थिंक हाँ दस साल हो गए ओके कैंसर था उनको भी मैं अल्लाह के हाइस्ट प्लेस इन जन्ना एंड मई रेस्ट इन पीस मेरी uh, एंट्री मैं आपकी जर्नी के बारे में पूछना चाहूँगी दैट आप आप शुरू से आप वर्किंग वुमेन थी आप हाउस वाइफ थी और फिर आपने सोचा कि नहीं मैंने एक ये अपना एक अपना एक स्टॉल लगा के अपनी खुद एक कुछ करना है कैसे आपने सब कुछ शुरू किया मैं असल में पहले नैनी का जॉब करती थी बेबी सिटिंग मैं जैपनीज मैडम थी मैं उनके पास करती थी पच्चीस छब्बीस साल हो गए उनके पास बच्चे बड़े हो गए उनकी शादी हो गई वो सब पढ़ने चले गए सब अपने अपने अभी एक की शादी अभी हुई है उनके शादियों पे मैं जाती हूँ आती हूँ मुझे बुलाते हैं वो तो अब फिर उनके बाद मैं फिर घर में मतलब देख कर करने लग गई बच्चों को भी देखना है घर को भी तो फिर मैं घर पर पार्ट टाइम करती थी शाम में भी जाती थी कुकिंग करने फिर उसके बाद फिर मैंने सोचा घर में करूं फिर घर में शुरू किया मैंने पहले तो मैंने फ्रोज़न शुरू किया था सब चीज फ्रोज़ शामी कबाब सी कबाब सारा घर से मैं सेल करती थी। एक दिन ऐसे बैठे बैठे मुझे बात करी इनके जिनका ये तो कविता से इंस्पायर हो के आपने जूट अंकल के पास उनसे मैंने बात की थी तो उन्होंने फिर मेरे को इंटरव्यू करवाया बात बात किया उसने कहा मैंने कहा मैं स्टॉल लगाने मांगती छोटा सा फ्रोजन का तो बोला हाँ लगा लो मैंने ठीक है मैंने उधर से शुरू किया थोड़ा थोड़ा फिर आस्ते आस्ते मैंने देखा क्योंकि फिर मैं घर से रोल वोल लाती थी, थी वो क्लो ठंडा हो जाता था फ्रेश नहीं होता था ना फिर वो वेस्टेड जाता था तो फिर मैंने ये सोचा कि यहाँ पे मैं थोटा अपना स्टॉल खोल लूँ खुद फिर मैंने अपना ये खोला आस्ते आस्ते फिर यहाँ ही सब कुछ मैं फ्रोजन की साथ साथ और तकरीबन एवरीथिंग चिकन कबाब रोल हॉट सैंडविच फ्रोजन हाँ, आइटम सब कुछ है प्री ऑर्डर वाओ वेरी नाइस फिर मैंने ये शुरू किया मैंने कहा फ्रेश सबको मिले वहाँ से लाऊ फिर वेस्टेड हो मेरे भी पैसा ज़ाया हो हाँ तो फिर मैंने कहा सबको अच्छी चीज फ्रेश फ्रेश ही मिले तो फिर मैंने कहा चलो चपाती से शुरू किया फिर पराठा फिर सैंडविच और फिर रोल है शाबी कबाब है फिर ये सब मैंने शुरू करते करते अभी मुझे दो तीन महीने शुरू हुआ है दो तो तीन महीने और, और सेल्स कैसी है थैंक यू फुल है खुदा का अच्छी, कोई सेल्स अच्छी है। है चल।, खुदा का चल रहा है ये नहीं कि ना कुछ भी नहीं है फैमिली के बारे में बताया मेरे तीन बच्चे है एक बड़ी बेटी है ये सेकेंड नंबर पे है सब में छोटा बेटा एक है अच्छा वो मेरे हैं ओके वेल बिकॉज़ इनका थोड़ा सा का प्रॉब्लम है ओके तो ये इनको भी फिर घर घर में में होते हैं हैं ये मेरे हेल्प कराते फिर मैं शाम में इधर आ जाती हूँ पोता भी है फिर उनको भी केयर करना पड़ता है थोड़ा अभी वो गए में उनकी मम्मी आ गई तो ओके तो सपोर्ट सब आ जाते हैं बेटी भी आती हैं वो भी यहीं रहती है करीबी है बाकी सब कुछ ठीक ठाक वेरी नाइस अच्छा मेरी आंटी आप बताएं मैंने uh, आपसे पहले कविता भी थी उनसे भी मैंने यही सवाल किया था कि uh, ये कौम, इतना कॉमन नहीं है अभी कराची में yeah. कि पे फीमेल्स हो एंड अगेन वही माइनॉरिटी वाला एक तो आपने क्या चैलेंजेस फेस किए एक तो एज अ फीमेल एंड देन एज अ माइनॉरिटी तो आपको क्वेश्चंस yeah. आते होंगे बिकॉज uh, आप तो वेजिटेरियन नहीं है Meet. आपका तो मीट है सो so, आपको uh, वो

तो इसीलिए तो मेरे को कोई इश्यू नहीं होता है मैंने तो मुझे तो पता है जहां से मैं चीज लाती तो मुझे फीमेल तो तो औरत होने के नाते एक स्टॉल पे आप आप काम कर रहे हो तो कुछ ऐसा आपने चैलेंज फेस किया आपको लगे नहीं, मैंने अब नहीं करना नहीं, नहीं ऐसे तो कभी, मैं, कभी कभी फील होता है फिर कहती हूँ अब छोड़ दी कभी, कभी वो हो जाता है ऐसे क्या कभी कोई ऐसा इंसिडेंट बताएं कि आपको लगा मुझे क्यों लगाया आपने आप बैठो घर में क्या जरूरत है घर में बैठ के भी कर सकती हो मैंने कहा घर में भी कर रही हूँ लेकिन बाहर भी जाने में क्या अर्ज है हाँ। कर नौकरी कर रहे हैं किसी हाँ। से कुछ नहीं मांग रहे अपना है, तो कुछ, मेरे को शौक नहीं बोल लाइक इमीडिएट फैमिली तो नहीं रिश्तेदार ही बोलते हो हाँ। नहीं मेरी बेटी कह रहे थे बेटा भी कह रहा है क्या जरूरत है आप घर में बैठ के भी कर सकती हो गर्मी है बाहर क्यों जाते आप भी वेल नहीं हो वो कंसर्न हो वो मैं थोड़ी सी वेल भी नहीं थी उस वक्त तो वो कह रहे थे नहीं आप घर में बैठ के करो मैंने कहा नहीं इनको तो मैंने बताया नहीं था जब ये स्टॉल मैंने लगाया है किसी को भी नहीं पता तो मैंने कविता से आगे बात की जब घर में गए जब उनको बोला तो वो मेरे वो देख रहे हैं क्यों लगा रहे हो किस लिए लगा रहे हो मैंने कहा वैसे ही लगा रहे हो मुझे शौक चढ़ रहा है मैंने कविता का आके देखा मैंने कहा मुझे भी चलो कंपनी मिल जाएगी दोनों हम अच्छा सेटअप चल रहा है हमारा एक फैमिली जैसे है हाँ, आ, बिल्कुल एक सपोर्ट हो गया सपोर्ट हो गया और अच्छा दोनों ही फीमेल्स बातचीत में भी कोई नहीं अपने खेल मजाक में बातें करते हैं और बनाते हैं चीजें हैप्पी होते हैं वो हमें देती है, हम उनको देते हैं एक तो sharing, एक फैमिली फैमिली वाला family वाला इसलिए आपको अच्छा मैं पूछ रही थी पब्लिक के पब्लिक का रिएक्शन कैसा है पब्लिक अभी इस... तक तो कोई किसी का मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ ना किसी ने आके मुझे कहा कुछ और थैंकफुल कि सबको अच्छा ही लगा है तो मैं इसको भी खुशी होती है कि चलो मेरी चीज बनाए वक्त किसी को पसंद भी आता है ये अगर आप ये काम नहीं करती तो क्या करती घर में होती घर का ही काम करती तो आपका जो शुरू से यू आर वर्किंग वर्किंग नॉट अ हाउसवाइफ नहीं इससे तो आपको अच्छा नहीं लगता शादी से हाँ, हाँ शादी से ही पहले से मैं जॉब करती थी मम्मी के संग जाती थी शुरू से मेरी दादी मुझे लेके जाती थी कि चलो इसको दे मेरे मम्मी को कहती थी कि चलो तो मैं ले जा रही हूँ अपने साथ क्योंकि वो एजट थी तो वो नहीं कर सकती थी ना बेबी को पाल मालिश वालिश तो वो मुझे सिखाती थी, थी ऐसे करो ऐसे करो तो थैंकफुल उनका भी कि जो ने मुझे सिखाया तो आज मुझे काम आया आज मैं इधर वहाँ से यहाँ तक पहुँची हूँ अच्छा मेरी आंटी एज ए क्रिश्चन जी आप बताएं कि आपको लगता है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन होती है या क्रिश्चियंस को पूरे हुकूक मिलते हैं मिल रहे हैं पाकिस्तान पाकिस्तान में हमें तो आज तक Have you faced any it? discrimination? No, no, तो कुछ ऐसा नहीं हुआ है शुक्र है खुदा का कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है हमारे साथ बहुत अच्छे मुस्लिम पीपल भी यहाँ पर हिंदू पीपल भी है सारे मुस्लिम क्रिस्टियन सब मिक्स है सारा अच्छा मुझे कोई प्रॉब्लम इससे नहीं है अच्छा आपकी आपकी क्या एज है अगर मैं पूछूँ तो एज तो सिक्सटी फिफ्ट से ऊपर ही है तो आप क्या आपने क्या सबक लिया अपनी जिंदगी से अप, साठ साल की जिंदगी में आपने आप तो आई है थोड़ा दुख कभी खुशी कभी गम चलता ही आता है लाइफ के अंदर चल चलता है तो कुछ भी ऐसा नहीं था बस चला अच्छा जिंदगी गई है अच्छा कोई कोई रिग्रेट नहीं ऐसी कोई कोई बात पे अफसोस कि मैं अगर ऐसा कर लेती तो होता है कभी कभी सोचती हूँ कि मैं भी पढ़ी लिखी होती तो आज मैं भी कहाँ से कहाँ तो होती आपने होती। अपने बच्चों को पढ़ाया जी मेरा बड़े बेटे बेटी ने पढ़ा है सबने उस वक्त तो खैर इतना नहीं पढ़े उन्होंने थोड़ा ही पढ़ा है दोनों तो बेटी ने भी पढ़ी है बेटे ने इन्होंने बहुत नहीं पढ़ा छोटे ने जरा उनका असर आप शौक़ नहीं था इनके पीछे तो मैं बहुत लगी पढ़ो पढ़ो क्यों नहीं स्कूल जाके इनके पेट में दर्द हो जाता था तो फिर बाद में कहते थे ठीक हो गए तो फिर आस्ते आस्ते फिर अब थोड़ा बहुत पढ़े हैं घर में मतलब कर लेते कुछ कुछ इतना है कि पढ़ लेते बिल्कुल तो आपके ये एक रिग्रेट है कि आपकी एजुकेशन कहीं रह गई शौक था उस वक्त क्या अगर... करियर का शौक था अभी... अगर आप पढ़ लेती तो क्या करियर का शौक था जो किस्मत में लिखा होता वही होता है ना की ब... तो मैंने बड़े हो की ये बनना है तो आपका आपका क्या शौक था अगर मैं पढ़ लेती तो क्या शौक क्या बनती यही कुकिंग का ही शौक सोचा करती कुछ के कर... भी कुकिंग करती नहीं है बड़े बड़े नहीं, शेफ के okay, बिल्कुल अभी भी आप आपको पता है जरु... मैं आपको ये बता दूँ कि अभी भी अगर आप शेफ बनना चाहती है तो शेफ के सिर्फ कोर्सेज होते हैं उसकी पढ़ाई का कोई लेना देना ले, नहीं, नहीं है आप जाके कोर्स करें और आप शेफ का डिप्लोमा लें फिर आप कहीं पे भी जॉब कर लें रेस्टोरेंट हो गया होटल हो गया इवन आप बाहर भी अप्लाई कर सकती है हाँ. मेरी दादी को शौक था ना कि जैसे घर, मैं आया नैनी बनी हूँ तो ये भी बने मुझे लेकर गई साथ साथ अपने रखती थी कि चलो उसमें और कितनी एज से आपने वर्किंग शुरू कर दी पच्चीस छब्बीस साल के बाद शुरू किया था मैरिड पच्चीस साल में मेरी हो गई थी पच्चीस साल के बाद लव मैरिज ओके अच्छा मेरी आंटी आप बताएं आपने क्या सोचा अपने फ्यूचर के बारे में क्या कर, करेंगी बस यहीं पे होगा स्टॉल इसको एक्सपेंड करेंगी इसको पैकअप करेंगी अः वट है सोचा नहीं है कि पैकअप करने अभी तो और अच्छा लगता है करने को के कुछ ना कुछ नया आइटम बनाऊं लेकिन वक्त नहीं मिलता इतना मुझे। आप भी कर सकती है आपको पता है? हाँ, मुझे पता है लेकिन उसके लिए मुझे किसी की हेल्प चाहिए, चाहिए वो मैं पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ आप अपने बच्चों तो को बोले उसके लिए भी लेकिन मुझे अपना काम खुद करना चाहती हूँ कि यहाँ बैठ के करूँ मैं अभी सोचा ही नहीं है अभी क्योंकि अभी अभी न्यू न्यू लगी असिस्टेंट हायर कर आंटी के लिए तो अभी तो मेरा यहाँ पे ज्यादा माइंड है कि इधर रह के इधर से काम करना है और जब खुदा ने ताकत हिम्मत दी तो आगे भी करूँगी फिर फूड पांडा का आपके भी मशवेरे का फूड हाँ, पांडा बहुत सारे ऐसे होम कुक्ड होम होम बेस्ड शेफ्स हैं जो अपना खाना फूड हाँ। पांडा पे भी नहीं मेरा भी फ्रोजन थिक जाता है घर से फ्रोजन भी जाता है वो फ्रोजन भी है मैंने पहले वही शुरू किया था उसके बाद फिर मेरे माइंड में आया कि चलो फ्रोज़न के संग संग ये भी थोड़ा शुरू करूँ ना तो कुछ टाइम भी मेरा निकलेगा और अच्छा मेरे को वक्त भी मिलेगा तो अभी भी जाता है मेरी जो बहू की जो बहन है भाभी है वो ले जाते हैं काफ़ी लोग मेरे से ले जाते हैं वो अपनी फ्रेंडों को देते हैं फिर वो टेस्ट करके उनको अच्छा लगता है तो फिर और मंगाते हैं वो तो मैंने घर से भी देती हूँ और यहाँ से भी मैं अपना करती हूँ सेल थैंक यू सो मच मारी आंटी आपका आप भी मैसेज देना चाहेंगी आप अपने एक काम करें अपने स्टॉल की एडवर्टाइजमेंट कर लें ये ये रहा आपका कैमरा <laughs> मेरा स्टॉल है शौन और शौन ये कहां है शॉन पे मैरी आंटी के लिए ये शाउट आउट है मैरी आंटी की तरफ से कि आप आए उनके स्टॉल को विजिट करें इनका स्टॉल का नाम है शॉन्स किचन जो है कैन स्टेशन पे नियर बाय ब्लूम नर्सरी बाय कैंट राइट yeah. ब्लूम लग्जरी yeah. ब्लूम लग्जरी आई एम सो सॉरी मुझे आवाज़ नहीं आ रही थी हमारा ये एपिसोड बहुत मज़ा आया मेरी आंटी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा आई लव द वुमेन एम्पावरमेंट ऑन द स्ट्रीट इट्स सो सेफ इट्स सो नाइस और यहाँ का जो एटमोसफियर है कि लोग अभी शाम का टाइम है लोग आ रहे हैं अपना टी टाइम के लिए खाना ले रहे हैं वड़ा पाव हो गया रोज हो गए सैंडविचेस हो गए सो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि डू कम एंड सपोर्ट दम एंड ये एक बहुत ही डिफरेंट काम कर रहे हैं बिल्कुल दे आर सपोर्टिंग द होम्स दे आर सपोर्टिंग द फैमिलीज एंड हमारी बहुत सारे बेस्ट विशेज अल्लाह आपको गौर दे आप एक्सपेंड करें एंड डू शेयर आवर एपिसोड डू शेयर आवर पॉडकास्ट लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल अल्लाह हाफिज़